तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करेंगे सिस्का कनेक्शन ऐप के बारे में, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइप से ऐप ओपन हो रहा है, इसमें देख सकते हैं सबसे पहले नीचे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दो चॉइस आए आपके पास, प्लीज़ चूज़ ए रोल, रिटेलर और इलेक्ट्रिशियन। हम इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू सिस्का कनेक्ट इलेक्ट्रिशियन फैमिली, तो इसमें क्या बोल रहा है, योर मोबाइल नंबर और सबमिट और रजिस्टर ए न्यू इलेक्ट्रिशियन। तो हम रजिस्टर करेंगे इसमें। तो सबसे रजिस्टर करने के लिए इसमें सिंपल देखिए, सबसे पहले नाम फिल करना होगा, जेंडर इसमें मेल ऑलरेडी फिल कर, चेंज भी कर सकते हैं आप, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, जिस पे स्टार लगा है वो दोस्तों आपको फिलअप करना कंपलसरी है। तो जल्दी से हम इसमें अपना डेटा फिलअप कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेव कर दूँगा मैं। तब मैं आपको डेटा फिलअप करके नेक्स्ट स्टेप बता दूँ दोस्तों। इसमें मैंने डेटा अपना फिलअप कर दिया, उसके बाद देख सकते हैं जहाँ पे आ रहा है एंटर ओटीपी। अभी ओटीपी मुझे आएगा वो जहाँ पे एंटर करूँगा, देख सकते हैं मुझे ओटीपी अभी मैसेज में आ चुका है। अभी मैं जहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कैसे लिखा है 7529, इस टाइप से लिख के आ रहा है। दोबारा चेक कर देता हूँ, 7529 09। तो जी मैंने एंटर कर दिया, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। देख सकते हैं इसमें आ रहा है ये, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन टू सिस्का कनेक्ट फैमिली, गो टू होम। तो यानी ये मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है, मैं इसका ऐप में मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। मैं इसमें होम में जाके चेक करता हूँ क्या क्या ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं मेरे पास। देख सकते हैं दोस्तों ऐप इस टाइप से ओपन हो के आता है सामने। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेफ होम सिस्का वायरस एंड केबल, यहाँ पर एडवर्टाइज चल रही है। और नीचे ये ऑप्शन मिल रहा है टोटल रिवॉर्ड पॉइंट 0 रिडीम है, नीचे रिडीम लिखा है 0। और इधर कलेक्ट पॉइंट करने के लिए जहाँ पे स्कैन करने के लिए ऑप्शन दिया है, इस क्लिक करेंगे तो स्कैन होगा। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो इधर से कैमरा ऑन हो जाएगा, बैक कैमरा। तो इससे मैं स्कैन करूँगा कूपन रख के, तो अभी नहीं है हमारे पास, तो हम इधर बैक आ जाते हैं सिंपली। उसके बाद रिवॉर्ड हिस्ट्री में जितना आपने कोई पॉइंट अर्न किया होगा जहाँ पर लिखा होगा लॉयल्टी हिस्ट्री में, तो हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में सेम इस तरह से कैमरा रखना होगा। और उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स में आप जहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर मेंशन किया गया है इनका, जहाँ पे कस्टमर केयर नंबर लिखा है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस ऐप के रिगार्डिंग तो आप इस पे कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, और दूसरा इनको लिख भी सकते हैं support@cisca.co.in पे इनको लिख भी सकते हैं मेल वगैरह। तो इसके अलावा इधर लिखा है फॉर एनी फीडबैक और कंप्लेंट प्लीज़ एंटर बिलो, यहाँ पर आप लिख के उनको सेंड भी कर सकते हैं। कोई फीडबैक आपको देना होगा तो जहाँ पे सेंड ऑप्शन दिया है ये भी कर सकते हैं आप। कि रिडीम करने के लिए जहाँ पे आप रिडीम को क्लिक करेंगे तो अगर कोई पॉइंट होगा तो जहाँ से आप रिडीम कर सकते हैं रिडीम, ठीक है दोस्तों। यही इसमें ऑप्शन है। इसके बाद नीचे देख सकते हैं स्कैन है, और इधर लास्ट तीसरा ऑप्शन है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आप वही चेक कर पाएंगे जो आपने अभी डेटा फिलअप किया होगा, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए प्रोफाइल में यहाँ पर ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल टर्म्स एंड कंडीशन, तो और तीसरा ऑप्शन है लॉग।